भी मुस्तफा साहब को फोन करे, खड़े करिए मुस्तफा साहब इनका फोन उठा जाए, जो जमाने का मैं तेरे को त्यौहार मिला करो नहीं पट्टी साहब एक बुरा आदमी है, बदकिस्मती ये तो हो गई है बात, मैं तो अगली बात कर रहा पार्टी में चले गए। नून लीग की हुकूमत आई है जनाब, ये नाला जो है कवर हो रहा है, कवर नहीं हो रहा, ये कवर हो रहा है। हम उनको बनाने वाले हैं, वो बनने वाले हैं कुमतों को, गवर्नमेंट को ना हम वोट देते हैं, हमारे वोट से बोलो वो पड़ा, जब आ जाते हैं तो फिर सारे बातें भूल जाते हैं, आवाम को भूल जाते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भूल जाते हैं। लीडरों के बिहाफ पे हमने वादे किए हैं तो अब वो लीडर की बात नहीं सुनते, हम क्या करें, शर्मिंदा है इनसे और क्या है। आप अपने लीडर से पूछे वो भी शर्मिंदा है कि नहीं है, आपकी आवाज के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ शादबाग का इलाका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे मियाँ हमजा शरीफ साहब का ये इलाका है। कहानी क्या है कि जैसे मौजूद हूँ, अगर मैं यहाँ पर कदम रखता हूँ और दो कदम और आगे रखता हूँ तो मैं इस नाले में चला जाऊँगा। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो नाला है ना ये गंदा नाला नहीं है, ना किसी ज़माने में था। अंग्रेज़ों ने जब ये नाला बनाया था ना तो ये बरसाती नाला बनाया गया था कि बारिश के पानी को जमा किया जाएगा, शहर के लिए शहर के इस्तेमाल में लेके आया जाएगा। लेकिन रहायशियों या महकमे हों उनकी गफलत कह लें, ऊपर नुमाइंदों की गफलत कह लें, एम पी एम एल ए की गफलत कह लें, कि जिनके बाइस आपका जो अच्छा भला इलाका है, साफ़ सुथरा इलाका है, वो गंद और कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाता है। नाले की जो दीवारें हैं, जो शिकायत हम तक पहुंची है, फिलहाल ये पहुंची है कि जी नाले के इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं है और आप देख भी सकते हैं कि दीवार कोई नहीं है। दीवार के मसले की दीवार टूटी हुई है, पीने के पानी के मसाइल, बिजली के बिलों के मसाइल, घर में गैस नहीं आ रही उसके मसाइल, साफ पानी को तरस से लोग, सीवरेज का सिस्टम कोई नहीं, ये सारे हमजा साहब की तरफ से दिए गए तोहफे हैं जो वोट मिले इस इलाके के लोगों की जानिब से। फिर जाहिर बात है इलाके के अंदर नाज़मीन भी मौजूद होते हैं, फिर चेयरमैन मौजूद होते हैं, काउंसलर साहब भी मौजूद होते हैं। ये मेरे पीछे जितने आप लोग देख रहे हैं ना, अगर इसमें इलाके के लोग मौजूद हैं ना तो इसमें यहाँ के काउंसलर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा मैं बाद में। ये तमाम चेहरे आप देख लें, ये वो लोग हैं जिन्होंने कामयाब बनाया, फिर मैं कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनके जो साहबजादे हैं हमजा साहब को, उनको कामयाब इन लोगों ने बड़ी लगन से नारेबाजी करके, फ्लैक्सिस बैनर्स लगा के, घरों के पास स्टिकर लगा के, माओ बहनों के तल्ले मिनते करके, कुरान के हलफ लेकर वोट लिए हैं और वोट के बाद तोहफे मिले हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है अब मैं आपको बता दूँगा। अरसा दराज पहले इस इलाके को, शादबाग के इलाके को पिंड कहा जाता था, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो शहर में शामिल होने के बावजूद भी ये इलाका पिंड ही है, इलाका गांव ही है और तब्दीली आज तक यहाँ पर नहीं आई है। क्या क्या मसाइल है लोग बताना शुरू करेंगे। भाई साहब की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये मौत का मंजर पेश कर रहे हैं। जब हम गुजर रहे होते हैं ना मोटरसाइकिल के तो डर रहे होते हैं, साथ बेगम भी मेरे तो वो भी डर रही होती है कि कहीं अंदर ना हम गिर जाए। हो सकता है कई दफा असी ना बीच डिग पे हाँ, कई दफा बच्चे नंगे खेल जी नहीं मैं तो नहीं डिगया ना, बच्चे कई दफा डिग पे नंघ दे वाकया तो ऐसे कई दफा हो चुके ने। इतने होर भी बड़े मसाइल ने, सफाई के बड़े मसाइल ने, साढ़े बिजली के बिलों के गौरमेंट ने वादा किया कि असी बिजली के बिल घट करा गे, मगर कोई एक महीना ही होया उस बाद फिर उ हाल है। हाँ गौरमेंट नूं चाहिए कि असी बड़ी मेहनत नाल लगन नाल हमदा शबाद नूं इस इलाके च असी कामयाब कराया। बिल्कुल कराया। हाँ कह सकदे ने कराया बिल्कुल। हालांकि पीटीआई दे बड़े वोटर ने, मगर असी सारिया ने मेहनत करके लगन करके असी कामयाब कराया, मिन्नत करके असी लोकां दी ना असी कामयाब कराया कि यार ये कामयाब करो, ये काम करनगे क्योंकि करदे भी ने काम, ये नहीं कि नहीं करदे काम, फिर शिकायत करनी तां करदे भी काम करदे, मगर अजे तक सानूं काम होंदे नजर नहीं आ रहा। मेन काम है ना जेड़ा ये नारा साडा पुख्ता होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, नहीं है बंद होना चाहिए, डिगने ते बारिश हो गई है नाला दे उत्ते पानी बाहर रोड के लेवल पे समटाइम जो है ना बारिशों के मौसम में रोड के लेवल पे पानी आ जाता है भाई बरसात में, और बरसात में ये जो सारी दीवारें अभी देखें बरसात को कितना महीने हो गए गुजरे हुए, लेकिन अभी तक इसको कोई फॉलो अप नहीं किया गया, किसी ने इस पे काम नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि शुमाली लाहौर जो है ना खास तौर पर जो शादबाग के जो रहायशी लोग हैं ये कट्टर मुस्लिम लीग हैं, कट्टर है मैं कहता हूँ ठीक है। हाँ जी हर यहाँ से मुस्लिम लीग के गुलाम बादशाह भी इनके जो भाई हैं बाद शरीफ साहब वो भी हुए, इन्होंने नून लीग वालों जिनको यहाँ पे खड़ा किया ना शाद बाग वालों ने दिलो जान से उनकी खिदमत की है और
वोट दिए उनको लेके खंबा भी खड़ा कर दो। हाँ जी बिल्कुल, वैसे खंबे की बड़ी दूर के बाद कुत्ता खड़ा कर दे वो भी हो जाएगा जनाब। खंबा तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है वो अभी तक इनका कोई सोल्यूशन हमें नहीं दिया गया। बिजली के बिल ने उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, गैस की जो है ना वो लोड शेडिंग है, इंटरनेट की लोड शेडिंग है। शेड्यूल दे दिया आपको, शेड्यूल दे दिया, गैस इतने बजे उठो, हाँ जी इतने बजे गैस चलाओ, इतने बजे के बाद बंद। फिर अगर कोई बीमार आदमी है ठीक है, वो क्या करे, वो किधर जाएगा जनाब? होटलों पर रश लगा पे कहाँ पे हम दस आप यहाँ पे जनाब आने के बाद गवारे नहीं किया उन्होंने जनाब से, यहाँ से काम यहाँ आए अपने इलाके में छोड़ा ही कभी इलाके में कि यहाँ पे ये देखे, फिर उन्होंने देखा क्यों नहीं है? आपको किसी ने दिखाया नहीं भी लोगों ने? नहीं, जब वो आते हैं तो उनको दिखाने वाले भी हैं, क्यों नहीं है वो आए नहीं है यहाँ पे। बने प्रॉपर्टी कितने कितने की होगी यहाँ पे, कितने में मरला है जमीन यहाँ पे? तकरीबन जो है वो 20-25 लाख रुपए मरला जगह है। ओए अच्छी डिफेंस से महंगी जगह है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, डिफेंस से महंगी जगह है भाई साहब। बिल्कुल सारी ऐसे ही डिफेंस से महंगी जगह है। तो 25 लाख मरला जमीन हो, 5 मरले का घर भी हो, वो तो कोरोना से चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको मिला गया फिर? ये नाला जनाब, ये हमें गिफ्ट मिला हुआ है। यहाँ की बैड स्मेल जो है ना वो हमारे अंदर फेफड़ों में जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, हमें हमारे बच्चों का सत्यानाश करती है ये, ठीक है? ये तो बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं जनाब, ये कवर हो चुका है, लेकिन ये कवर हो गया, लेकिन हमने आज तक इसको कवर नहीं देखा। ठीक है, ये कागजों में बड़ी दफा हमने सुना, अभी नून लीग की हुकूमत आई है जनाब, ये नाला जो है कवर हो रहा है, कवर नहीं हो रहा, ये कवर हो रहा है, कबर हो रहा है ये, कबर ये दिल की बातें भाई जान, ये बिल्कुल ये कबर हो रहा है। इसके नीचे आपका यकीनन वो पानी का पाइप भी है जो आपके घर में जा रहा है पीने के लिए, ये जा रहा है भाई जान। से कहे ना ये दिखाएं, आओ नहीं तो करीब आके दिखाओ, वो कह रहे हैं तो दिखाओ यार, दिखाओ ये सारे, ये आपका सीवरेज सिस्टम यही से निकल रहा है बाहर, वो पाइप का शामिल हो रहा है। जी जी बिल्कुल सारा कुछ यही है। इसमें बेसिकली पीने का पानी है ना सर? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज मुगल है, लेकिन यहाँ पे मसाइल ये है कि पीने का ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी बेसिकली उसमें ये गंदा पानी मिक्स हो गया आ रहा है। ये देख ले आप, पानी के पाइप जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वही तो दिखाया मैंने भी कैमरा ने। और इस नाले की डेप्थ कम अज कम 15-20 फीट है, दो मंजिला इसकी, यानी देखा जाए तो इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई है, इसमें जो पानी है वो कम अज कम 6-7 फीट गहरा है। इसमें अगर कोई बंदा गिर जाए तो वो जिंदा नहीं बच सकता। उसकी दो रीजन है, एक तो पानी की गहराई, दूसरा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है उसकी वजह से बंदा 5 मिनट से ज्यादा इसके करीब जिंदा नहीं रह सकता। मैंने टेक्निकल रीजन है बेसिकली, ठीक है? इसके साथ साथ जो है ना ऑनलाइन जो है ना ऑन एयर करें ना इसकी स्मेल बिता के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे लीडर उन तक भी तो जाए। यहाँ पे आके जितनी देर से हम यहाँ पे खड़े हैं वो भी खड़ा होकर दिखाएं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे, किसको खड़ा करना है? ये जितने भी हमारे लीडर थे, एमएनए हमारे हैं, शुभा साहब, हमदा साहब हैं, फिर एमपीए साहब हैं, कम से कम ये किसने देखना है, हमारे मसाइल किसने हल करने हैं, कहाँ जाएं? हमारा तो कोई वाली वारस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, हालांकि नून लीग के लिए हम तो ये समझा करते थे कि ये कम से कम जो है ना ये अपने सिटीजन को जो है ना ये फैसिलिटेट करती है। हाँ जी देखा था ना जी, अरसा दराज से आप पार्टी को वोट दे रहे होंगे ना? जी बिल्कुल, अरसा दराज से आप पार्टी में, खुद ही शमूलियत है आपकी जी, क्या है बतौर? नहीं मैं पार्टी में नहीं, लेकिन मैं सपोर्टर वोट कर रहा हूं, सपोर्टर हूं, सपोर्टर हूं। कितनी घूमते देखी उनकी आपने? ये मैंने तकरीबन जैसे 94 से जो है ना वो रोड चल रहे हैं, 20 साल हो गए तकरीबन आपको। बिल्कुल ठीक है, सही है। इस 20 सालों के अंदर, 30 साल हो गए, इस 20-30 साल के अंदर आपने हमदा साहब के साथ वाला घर क्यों नहीं खरीदा? हमारी कैपेसिटी नहीं है इतनी भाई जान। नहीं जनाब, हम कहाँ से खरीद सकते हैं हम? वो काम जो आप वो मेहनत करके इतना कामयाब हो सके, आप भी तो मेहनत करें ना। बड़ी मेहनत की है, जगह से जान रहे हैं जी जी जनाब, बड़ी मेहनत की है हमने, हम उनको बनाने वाले हैं, वो बनने वाले हैं, हुकूमतों को, गवर्नमेंट्स को, ठीक है? हम बनाने वाले ना, हम वोट देते हैं, हमारे वोट से वो लोग ऊपर आते हैं, ठीक है? जब आ जाते हैं तो फिर सारे वादे भूल जाते हैं, आवाम को भूल जाते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भूल जाते हैं। पट्टी साहब इनको बुलाएं जरा, ठीक है? आगे हैं, ये वर्कर हैं नून लीग के जनाब। अच्छा जी जी, ये इन्होंने जो कम्प्लेन करके चौधरी हैं, बड़े चौधरी जनाब, लेकिन चौधरी भी कोई नहीं सुनता, हमेशा जब से जब भी इलेक्शन होती है ना ये डोर टू डोर जाती है और हमें भी साथ लेके जाती है, ठीक है? ये हमारे मोहल्लेदार हैं, हमने तो इनको ही कहना ना, गारंटर ये है ना बीच में, बिल्कुल गारंटर है, आज पकड़ा हुआ ना हमने इनको, बिल्कुल हाँ जी हमने इनको पकड़ा हुआ जनाब, ये क्या है? स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कोई नहीं है, कोई कोई नहीं है, ठीक है? बाकी जो है ना इनको स्ट्रीट लाइट गिनाए और गिनाए। हाँ जी सीधा सवाल पूछो, आज मैं सवाल पूछो, ठहरो सर ठहरो, पूछो सवाल जी। भट्टी साहब आपने हमें इस हमसे इस बात पे वोट्स लिए थे कि जनाब आपके जो बिजली के बिल कम होंगे, आपको कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, जो गैस का है वो आपके लोड शेडिंग नहीं होगी, वो आपके बिल जो है वो भी कम होंगे, रोड आपकी बड़ी पक्के होंगे जनाब, पीने का पानी बात सुन रही, ये जो अमर रोड अकरम पार्क में लगा हुआ है ना फिल्टर जनाब, 8 दिन वहाँ पे किसी ने वो टैप
खोल ली ठीक है। पहले सवाल पूरे करें, बाद ये बात बाद में करेंगे ना। जी जनाब, पानी की बात हो गई और पानी ना सीवरेज का सिस्टम आपने कहा था, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं वो आपने कहा था कि आपको वो कौन सी हैं? कितना जी, दसो दसो, आवाम पूछ रही है। आपने तौर पे तो नाले की वजह से मच्छर भी बैठ रहे हैं, वो देख कपड़ों में मच्छर देख बैठो, कीड़े मकोड़े बैठ रहे हैं, देखो इधर वही पैदा होगा। बिल्कुल, दिखाओ राउंड दिखाओ, फिर घर जाएगा आपके बच्चों में बैठेगा, स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी, डॉक्टर के खर्चे। बिल्कुल जी, वो पट्टी साहब देंगे ना हमें, आप जो पट्टी साहब दियो जवाब दियो गला दा, उसी सामान हो। लीडरों के बिहाफ पे हमने वादे किए हैं लोगों से, तो अब वो लीडर बात नहीं सुनते, हम क्या करें? अरे कि हो जाए लीडर, चौधरी देखे, चौधरी देखे, चौधरी कहते हमारे लीडर ही बात नहीं सुनते। जनाब आप हमें घरों से सोए होते थे, हम तो आप उठा के लाते थे। जनाब चले जी, हम रिक्शो में जो है वो आपको वोटर्स के लिए हम जो है ना वो लोगों को घरों से निकाल के लाते थे। अब आप कहते हैं वो बात ही नहीं सुनते। गारंटर ने देनी है ना, सामान है ना, गारंटी लेना जी। दसो जी चौधरी साहब, जनाब आप अपने पल्ले से लगवा दें, अपने पल्ले से काम करवा दें, बड़ी मेहरबानी। कटर शटर खुलवा लेता हूँ जो मेरे अपने बस में, मैं तो बहुत छोटे छोटे काम करवाता हूँ, जहाँ मुझे पकड़ के लेके जाते हैं, मैं अपने तौर पे जो होता है मैं काम करवाता हूँ। ऐसे रखा हुआ है, छोटे मोटे काम जो मैं अपने तौर पे कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ। गारंटियां ली थी, जो मामला था इनके के मोहल्ले में एक नाम है इनका, लोग इनको पूछ रहे हैं गारंटी है ना, बिल्कुल गारंटी वाले सवाल कर रहे हैं। लो जी जवाब जवाब दियो कि साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा है आम लोगों को, मैं बाकी को भी पूछ रहा हूं। शर्मिंदा है इनसे और क्या, शर्मिंदा मिला के गल मुकी, वादे वादे हो रहे हैं हमसे कि काम हो रहा है, हो रहा है। आप अपने लीडर से पूछे, वो भी शर्मिंदा है कि नहीं है, उनको भी कुछ शर्म आती है कि नहीं, उनको भी शर्म दिलाए ना। वो हंस के दिखा रहे हैं आपको जी, मजाक हो गया नहीं तो पंजी लाख मर ले जमीन। आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे हम भी हंस के ही करके दिखाएंगे, हम भी हंस के दिखाएंगे। पट्टी साहब आप वरी ना करें। मुस्तफा साहब को फोन करे, खड़े करिए मुस्तफा साहब, इनका फोन उठा जाए, जो जमाने का मैं तेरे को त्यौहार मिला करो नहीं। पट्टी साहब एक बुरा आदमी है, बदकिस्मती है, तो हो गई है बात, मैं तो अगली बात कर रहा था, पार्टी में चले गए। नून लीग की हुकूमत आई है जनाब, ये नाला जो है कवर हो रहा है, कवर नहीं हो रहा, ये कवर हो रहा है, हम उनको बनाने वाले हैं, वो बनने वाले हैं, कुमतों को, गवर्नमेंट्स को ना हम वोट देते हैं, हमारे वोट से वो लोग ऊपर आते, जब आ जाते हैं तो फिर सारे बातें भूल जाते हैं, आवाम को भूल जाते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भूल जाते हैं। लीडरों के बिहाफ पे हमने वादे किए हैं, तो अब वो लीडर बात नहीं सुनते, हम क्या करें? शर्मिंदा है इनसे और क्या है? आप अपने लीडर से पूछे, वो भी शर्मिंदा है कि नहीं है? भाई ने यही कहा था, वोट दिलाने जो मसाइल मल्ले का होगा वो हल होगा, गली का जो भी काम होगा, लेकिन गली में गैस भी नहीं आती और गलियां भी टूटी फूटी हैं, वो भी नहीं बन रही, हम परेशान हैं, तो वो काम किया जाए ताकि मसाइल हल करें। दोबारा भी इधर पूछो ना सवाल, वोट इनको डाले जाए, उनसे सवाल करें, दोबारा वोट ही चाहिए, सवाल खुल के अगर करते क्यों नहीं हो, डरते हो? गलियां बनन गियां ते भट्टी साहब, वो गलियां नहीं बनिया अजे तक, हो गया नहीं, तुसी कहा जी गटर नवे पैणगे, गटर नवे पैणगे, वह गटर नहीं नवे पै, भट्टी साहब छे महीने तो साडे नाल वादे ही कर रहे ने, साडे लीडर वी कह के असी वोट ही नहीं दिता नून लीग नूं, तुहाडे कहण ते असी कहण ते तुहाडे कहण जे करता धरता ने नून लीग दे जनाब। अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, सुबह शाम सुबह फजर के बाद गैस भेज रहे हैं, उसके बाद गैस नहीं आती ना। इधर आओ, इधर आओ, सुनो भाई साहब, सुनो जी, आंदी कोई टाइमिंग नहीं इतने लाइटिंग की भी, दूसरे नंबर पर इतने रोड के उपर लाइट कोई नहीं, जो रात को क्राइम होंगे, जो अंधेरा है तुम कभी रात को आओ, काफी इतने डकैतियां होंगे जी, अपने नाल डकैती कराई असी, हाँ जी ठीक हो गया, फिर ही पता चलेगा। ए नाले की गल है ना, ए पुछो, काफी दफा लाशा बरामद हुई जे,
रिंग रोड को उसके अलावा बीसीओ स्कूल है इसके सराउंडिंग में और सैकड़ों बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। इधर पूछ रहे हैं, ठीक है ना जी, वो सारे बच्चे कई मरतबा यहाँ पे जानवर गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, निकालना मुश्किल हो जाता है, कभी बच्चा मर जाता है, नाउज बिल्ला डेड बॉडीज भी निकली है यहाँ से जैसे भाई बता रहे हैं। तो ये कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? स्टार्टिंग देखें, जब हम कामयाब हुए, हुकूमत बनी हमारी, मियां मुश्तबा साहब ने अपने घर बुलाया है। अच्छा। हमसे दो तीन बार उन्होंने दो तीन बार स्कीमें ली हमसे। हाँ। अब आगे काम कोई नहीं हुआ, हम क्या करें? उन्होंने करना ये है कि दोबारा उनके पास जाना है, उनको बुलाना है, उनसे कहना है कि ये मसाइल हल करें, ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट करनी है ना हमने। और अब हुकूमतों को खुद भी पता होना चाहिए कि माशरे के हमारे जो वर्कर्स हैं उनके मसाइल क्या है, उनको कैसे हल करना है। ना, आप पीने के लिए साफ पानी कहाँ से लेने जाते हैं? फिल्ट्रेशन प्लांट से पीने का पानी नहीं है, पानी हम खरीद रहे हैं, क्या फायदा? हम से खरीद रहे हैं और ये जो फिल्टर प्लांट बने हुए उनसे खरीद रहे हैं, परचेज करके पी रहे हैं, पैसा खरीद के आने वाला पानी जिसका बिल हम पे कर रहे हैं वो पानी हम पी नहीं सकते। उसमें स्मेल है, गंदा पानी गार मिलके आ रही है, उसमें गंदा पानी मिक्स होके आ रहा है, वो पानी पीने के काबिल नहीं है। भाई साहब आ गए, इस्लाम में कितना गुनाह है पानी खरीदना, पता है आपको? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कुआं खरीद के बिल्कुल मार दिया था मुसलमानों के लिए, हम उनकी तालीमात पे नहीं चल रहे, हमारे सियासत तालीमात पे नहीं चल रहे, बताएं जरा। अभी तक तो ये सूरत देखी है उसमें नहीं चल रहे। अभी ये देखो पानी का बिल, मस्जिदों के अंदर जो बिल आते हैं वो बिजली के बिल हैं, वो बेइंतहा बिल हैं, मस्जिद अलग है हमारी, इबादत खाने हैं हमारी, उसके ऊपर टीवी फीस भी लगी होती है, वहाँ पे टीवी लगाए हुए हम लोगों ने। नहीं मस्जिद दे काम देखो, ये तो मुसलमान हुकूमत हो, मुल्क मरम इस्लामी जमहूरियत है, तो इसके ऊपर कोई गौर नहीं करता, लाखों दरख्वास्त आप लोगों ने दी हुई है, कई घरों में टीवी नहीं है लेकिन फीस पे कर रहे हैं हम, बिजली अगर आती है या जाती है, कोई कंप्लेन लगाते हैं तो आता ही नहीं कोई। उसके बाद ये गलियां टूटी हुई है हमारी, गलियां अक्सर बारिशों में इस तरह बैठ जाती हैं, दोबारा पूछने वाले कोई। ये नाले का पानी बैग नहीं होता आपके वॉशरूम में? होता नहीं है, गलियों में जब पानी खराब हो जाता है तो बैग आता है। मच्छर जो पैदा होंगे आपके घर में, बुढ़िया टाड़ियां लड़ दी नहीं टाड़े को लोगे किसे लड़े नहीं कभी? वो तो कहते वोट दो वोट इधर सुन लो, टाड़े का नहीं बच्चे लड़े टाड़े को लोगे दी हुकूमत बन तीन दिन दो तीन महीने बाद मीटिंग बुलाई मियां मुल्क साहब ने, उन्होंने साढ़े को स्कीम लिया, उन्होंने कहा जी है गलियां ताड़ियां जिन्हें बस है एक हफ्ते शुरू होनी है, फिर वही गलियां नहीं शुरू हुई। उन्होंने पहले स्टेप च किया कि गलियां बननियां रोड, उन्होंने अगले स्टेप च किया कि नाला भी छत्या जाएगा, लेकिन उन्हें दीवारें ही नहीं है। कसूर किहदा तुहाडा कि उन्हां दा? नहीं ओ इहनां दे अगे, इहनां दा कसूर कोई नहीं, जिस तरहां इहनां दा कसूर कोई नहीं, इहनां दा कसूर है सर, दसो कहदा कसूर है सर? भाई ना डरे जी सर, कसूर ते तुसीं साडे नाल वादे कीते ना, तो किन्ने पूरे करने ने? पूरे करने ने, दसो ना जरा, तुसीं ते तुसीं सानूं सबरे सबज बाग वहाए ने, वादे की आदत दे केंदे पूरे इंशाल्लाह। अपना नाम बताएं सबसे पहले। लाला मोहम्मद शमस, लाला मोहम्मद शमस, लाला जी सर मुस्लिम नून वाइस चेयरमैन यूसी 24। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, एवी कॉल वादा वादे लाए इंशाल्लाह, वादे वदे नहीं ये, तुसी साडे साडे पर पढ़ाओ, ताडे नाल ये मामला देगे ने, ते अगे मियां साहब ने मुजतबा साहब ने बुलाया सी, जिसने बड्डी साहब ने दसया मेरे हाथ तुसी लोग गए, ताडा वाइस चेयरमैन चौधरी नदीम सरवर साहब वो भी उत्थे गए सन, बकायदा उन्होंने कि नवीं मीटिंग दौरान किया सी कि नाले नूं ना छत्तण दा प्रोग्राम बन गया, ते 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਗਲੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਮੇ ਸੜਕ ਬਣੇ 2025 ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਸਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਰੀਕ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਤਰੀਕ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਨਾ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਸਾਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਗੇ ਰਸਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਚਲੇ ਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਬਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸਲ ਰਸਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਕੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰੇ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ कोई पुरसाने हाल हो जनाब, इस वक्त आपने आके रात को दस्तक दिया है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी यहाँ पे जनाब अस्पतालों में जहाँ पहले दवाइयाँ कभी मुफ्त मिला करती थी परवेज लाई के दौर में, अब जनाब वो दवाइयाँ भी बाजार से एक सिरिंज वो भी बाजार से लेनी पड़ती है, ठीक है, एक पानी भी खरीदना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है, सारे पड़ रही है सर, प्राइस कंट्रोल जो है वो नहीं आया किनसे हो सकी, एक दुकानदार जब वो 120 रुपए आलू दे रहा है, दूसरा 100 रुपए किलो आलू दे रहा है, एक 130 रुपए आलू दे रहा है, प्याज का देख ले एक रेट नहीं है,
ये तो हमारी तो जान खाई हुई है देखो यही गल खुद बहुत अच्छे आदमी ने लेकिन देखो किसी के बिहाव से इन्होंने वादे कर ले इन्हों झूठिया करा वाला कोई होर है ਹਮਦਾ ਸ਼ਹਿਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਾਇਸ਼ ਲੱਗਣੀ ਮੇਰੇ ਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਜ਼ਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ तमीर होंगी रही है सारे मामला बाकी रह गया कि नाम जरा 4 साल पिछले किरदार पीटीआई ने अदा किया 4 साल भी किरदार क्या जो जिन्होंने फंड जारी करने वो कौन लोग हैं वो यही लोग हैं बात खत्म हो गई जी लेकिन हम लोग इन्हें बार बार याद कराएंगे ना फंड इन लोगों ने जो है वो इशू करने डेट ले सर हम डेट तो इंशाल्लाह हमने नहीं देनी हम आपसे आगे लेके देंगे तो आपकी गारंटी भी देने 2025 की आप 5-6 चक्कर लाने ने ये सर इंशाल्लाह नहीं होता ये भी दूर है हुन अब आप पेपर देने अब आप पेपर मेरे आओ अब काम चाहिए शायद ये वेट कर रहे हैं कि 100 बंदा और मर जाए यहां गिर के या 100 बंदा और गंदा पानी पी के मर जाए या 100 बंदा इलेक्ट्रिसिटी की बिजली की कमी की वजह से मर जाए अपना घर का सामान बेच रहे हैं लोग भाईजान फिर ये इस पे काम अमल दफन करें ये तो ज्यादती है और ये भी बेचते होंगे कभी कभी ये भी बेचते होंगे सामान कितने लोग और मरेंगे तो काम होंगे दसो जी कितने लोग दसो जो मरे वो भी मरे भाई हैं हम भी आप लोगों के पास यही रहते हैं अब ये जज्बाती हो गई या ऐसी बातें करने से मामला नहीं वाकई जज्बाती हो गए हैं भाई ये जज्बाती हो गए हमने वोट दिया वोट जज्बाती है सुनो सोच समय के नहीं वोट दिया हुआ हमने जज्बाती हो के वोट दिया हुआ है हम मानते हैं यार हम मानते हैं फिर कहते हैं हमारी जज्बाती भी कहते करें ना आप कह रहे जज्बाती हो गए आपको नहीं पता दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स क्या आपको नहीं पता दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स आपस में लड़ के मर जाते हैं एक दूसरे को मार देते हैं होते हैं ऐसे तो फिर आप किसके लिए करते हैं कायदीन के लिए इनके लिए तगड़े होके भट्टी साहब कहते मेरी सुनता कोई नहीं इंशाल्लाह सुनते ने बहुत किन्नी बारी उन्होंने मियां साहब ने किया हो चुकी है मुस्तफा साहब को फोन करे खड़े करिए मुस्तफा साहब इनका फोन उठा जाए जो जमाने का मैं तेरे को त्यौहार मिला करो नहीं फोन सुन नहीं करो ना करो नहीं 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 सुनता नहीं पट्टी साहब एक बुरा आदमी है बदकिस्मती ये तो हो गई है बात मैं तो अगली बात कर रहा हूं पार्टी में चले गए नून लीग की हुकूमत आई ना जनाब ये नाला जो है कवर हो रहा है कवर नहीं हो रहा ये कवर हो रहा है
हम उनको बनाने वाले हैं, वो बनने वाले हैं। तुम तो गवर्नमेंट्स को ना हम वोट देते हैं, हमारे वोट से बोलो वो पड़ा। जब आ जाते हैं तो फिर सारे वादे भूल जाते हैं, आवाम को भूल जाते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भूल जाते हैं। लीडरों के बिहाफ पे हमने वादे किए हैं, तो अब वो लीडर बात नहीं सुनते, हम क्या करें? शर्मिंदा है इनसे और क्या है? नहीं, आप अपने लीडरों से पूछे, वो भी शर्मिंदा है कि नहीं है? किसी के बिहाफ पे इन्होंने वादे कर ले, इन्होंने झूठा कराने वाला कोई और है? हमदा शहबाज इन्होंने झूठा करवाने वाला जी। बिल्कुल सही कहते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की, देखिए लेकिन आप ताकत को फेस कर रहे हैं, आप अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं, आप उनका पुरसाने खाल नहीं। देखें हम कमजोर कैसे, हम कैसे खुशहाल होंगे, कैसे ताकतवर होंगे जब हमारे मसाइल हल होंगे? जब किसी बंदे को अपने मसाइल की फिक्र नहीं होगी, बच्चों की फिक्र नहीं होगी, बिजली की फिक्र नहीं होगी, गैस की फिक्र नहीं होगी, साफ पानी की एक फिक्र नहीं होगी, तब हम साथ दे सकेंगे, तब हम ताकतवर होंगे। जब आप हमें इन चीजों से डिक्लेयर करेंगे, हमें ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे, वोट को इज्जत दो, आवाम को भी इज्जत दो, बोलो आवाम को इज्जत दो। हां जी, जब पूछो ना पूरा जुमला बोले। हां जी सर, सारे हमारे साथ वहां तक भी पहुंचे, हम अपने में जोन से एमपी साहब हैं, एमएनए साहब हैं, अब उनके दरवाजा मियां मुश्तबा शर्मा साहब, ठीक है, मैं नाम बता देना बार बार, खजाना साहब, वो याद रहना, मियां मुश्तबा वजीर खजाना ने, वजीर खजाना, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये गल सुन लाला जी। पहली बात आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे मिसाइल पे, आप लोग जगह दिया, इसका तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, बड़ी मेहरबानी, हमारी ड्यूटी है बस। ये भाइयों मैं समझता हूँ कि इनका कोई कसूर नहीं, वे जारे मोहल्ले लेवल के बंदे, अभी मैं से पूछता हूँ, अभी मुश्तबा साहब को फोन करे, अभी खड़े करिए, मुश्तबा साहब इनका फोन उठा जाए तो जो जमाने का मैं देने को तैयार हूँ। करें फोन, मिलाओ ना, करो फोन, नहीं फोन सुनते, नहीं करो ना, करो ना, नहीं 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 सुनता, नहीं सुनता, मोबाइल फोन कराओ, कराओ ना फोन, फोन ना कोई दलक वास्ता दसो, नहीं नहीं फोन करो, मैं काम पे लिखा के फोन करना, जो फोन करो, काम करवाना है कि ये साडा फोन। हां जी, ये सुने, अभी यहां जब तक यहां पे नहीं करेंगे, एक दो बंदे नहीं मरेंगे, नहीं फोन मिलाओ, फोन मिलाओ, यहां पे ट्रैफिक मिलाओ ब्लॉक होगी, तब जाके रोड बनने सर, ये काम होगा और कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, इन पे बेचारों पे गिला नहीं, ये अपनी पार्टी से मुखलस है, गिला कोई नहीं भाई जान, आप लोगों को मैंने तो कहा पहले जनाब के ये बेसिकली बताते खुद बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन ग्रंटर तो है ना बीच में, अच्छा ग्रंटर तो है सर, ग्रंटर आप मुंह लगा दे फिर, ग्रंटर बेचारे की करण फील हो रहा है, फील ही हो रहा है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स अच्छे शहरों को आगे की कह रहे हो, रहने दो, कही जा रहे हो, नहीं नहीं कही जा रहे हो, नहीं नहीं सर, देखो ना तरीका क्या करो, रहने दो, स्पीकर स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, उनको स्पीकर से ऑन करो, इकट्ठी हुई है, देखो इकट्ठी हुई है, मिसाइल भी आ गई, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, मुश्तबा शुजाउल ने मां साहब को कॉल मिल गया, नंबर रहमान साहब भट्टी साहब ने नंबर भी लाया, ये एमएनए एमपीए साहब है, इसके फोन बंद है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर है ना, एमपी साहब ने, हां जी मिनिस्टर साहब का नंबर बंद है, ये एक अवामी नंबर है, ये एक अवामी नंबर जो कभी नहीं मिलेगा, इनका पर्सनल नंबर को दे इनको, तुसी गलत नंबर मिलाया जी, वो पर्सनल नंबर है, वही नंबर है, नंबर बताया, पर्सनल नंबर क्या उनका, नहीं है वही नंबर, साडे पर्सनल नंबर क्या, हमारे पास यही है, बोले कौन सा नंबर है, हमारे पास यही है, तुसी कहना लाला जी ठहर जाओ, मैं नहीं गया, फिर देखना मिनिस्टर हो सकता, किसी मीटिंग में जॉन को मामला हो सकता, ब्लैक नंबर नहीं, नंबर दिखाया ना, देखो ले जी नंबर है 0, नंबर खुद ही बोल के बताएं, क्या नंबर है जी, बोल के बताएं नंबर, क्या नंबर सुने लाला जी, ठहर 0300 844, किसका नंबर है, मियां मुश्तबा शहबाज साहब, फोन बंद है, नंबर बंद है, बेसिकली हो सकता है कहीं मीटिंग में हो या हो सकता है प्लेन में हो, कहीं जा रहे हैं, चलो हम ये नहीं कह सकते कि नंबर बंद है, फोन मिल जाता है, कॉल इसी खोल लो यार, कितने में कॉल मिली है, इसी खोलो, तमीर हो जाती है, तमीर हो जाती है, अगर भी दोबारा तमीर होती रही है, लेकिन कुछ थोड़ी देर लेट करता हो गया मामला, लेकिन इंशाल्लाह ना मेरी किसी सेक्रेटरी का नंबर मिलवा ले, उनके सेक्रेटरी का, हां जी सेक्रेटरी का नंबर मिला, सेक्रेटरी कौन है, जो भी सेक्रेटरी कौन है लाला जी, अर्शद साहब अपना पट्टी साहब रहा है, सेक्रेटरी कौन है,
पब्लिक बार बार भट्टी साहब कह दिया कि दरवाजा मेरा खटका रही है पब्लिक भट्टी साहब भट्टी बनो मैं भी भट्टी हां जोता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੈਟੀ ਵਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1986 ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਮੇ ਖੜੇ ਆ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਗਏ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ना तो उनका किसी एहसास करने का ये बंदे बेलोस काम कर रहे हैं अबे वो भाईजान की बात ठीक हो गई ना कि इनको फिर जलीली करवाने को नहीं करते मैंने सर बिल्कुल ऐसा ही है मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली ये करेक्टर में माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और ये इनकी तारीफें हो गई हैं नहीं नहीं तारीफें की बात नहीं है ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ ये मुखलिस आदमी है पता है लेकिन आगे लीडर नहीं मुखलिस मिले लीडर आप ही के ना आप ही ने वोट दिया इन्होंने वोट दिलवाया इन्होंने वोट दिया ना गारंटर है ये हमारे पूछे पूछे दसो भट्टी साहब पूछो सवाल इंशाल्लाह को बगैर करने के ये काम हो जाएगा हो जाएगा उधर छोड़ देंगे घर पे होती है जा रहते हैं हाँ ये लीडर के घरों में देख ले होती है लोड शेडिंग होती है शेडिंग से अलावा देखें होती है पता पहले अच्छा पहले सवाल के जवाब होती है ये अब आपको बता नहीं आपको बता मिलते हैं आप लोग सर वो तो पट्टी साहब एक गुड़ आदमी है बदकिस्मती ये तो हो गई है बाद में तो अगली बात कर रहा हूं पार्टी में चले गए जहां पे ये बार-बार जलील हो रहे हैं गलत पार्टी पट्टी साहब 86 86 तो गलत पार्टी चले गए गलत पार्टी में चले गए ये वहां पे सर ये आप सर नहीं सारी है क्या इन्होंने मैं कह ये भी तो पूछे 86 तक घर बार सारा भेज दिया जेलों में रहा हूँ मैं दो बार जेलों में किसके साथ रहे हैं मैं किस बड़े आदमी के साथ रहे हैं जो अपने आप को बड़े कहते हैं ये तो सामने छोटे लोग ही दिखा रहे हैं मैं इश्तियाक भी था बंदा अपने किरदार से बड़ा होता है भट्टी साहब बंदा अपना किरदार से बड़ा होता है कटारी से बड़ा क्या है कि 1986 से वो उन्होंने ज्वाइन की हुई है मुस्लिम लीग नून और स्टिल उसी को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे तो लगता है इनका किरदार उनसे ज्यादा बड़ा है इनका तो किरदार मैं गलत कह रहा हूँ गलत भट्टी साहब हम इनका किरदार तो हमने पहले आपसे कहा कि ये बिल्कुल सिंसियर आदमी है लेकिन इनको जो गारंटी देख फंस गए थाने जाओ ना पंचायत लगती है गारंटी तो फट दे रहे सर ये पहले ये कि जिन्ना का मामला हो गया ना इंशाल्लाह काम जल्दी हो जाएगा उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह गारंटी दे रहा हूँ ये काम नहीं होना जब तक यहाँ पे तो बंदे नहीं मरेंगे इतनी ना उम्मीद नहीं काम हो सकता इतनी ना उम्मीद है दैट इज नॉट पॉसिबल सर देखिए जब छुट्टी का टाइम होता है ना स्कूलों में छुट्टी का टाइम होता है या बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं सर देखो छोटे छोटे रोड्स हैं क्रॉसिंग में लोग डरते हैं जितनी भी हुकूमतें आई है उन्होंने खुद इसको गंदा नाला बनाया कैसे उन्होंने गलियों का सिर भी डाला इसके अंदर अभी भी डाला उन्होंने बनाया ना अभी भी देखें पानी जो बाहर आवाम में नहीं बनाया ये भी गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट का काम है दूसरी बात ये है इसके अलावा यहाँ पे चोरी बहुत ज्यादा है दिन दहाड़े मेरे अपने स्कूल से चोरी हो गई है ठीक है लैपटॉप पैसे चुरा के ले गए हैं उसकी वीडियो फुटेजेस उसकी पिक्चर्स इमेजेस सारे पुलिस को दे दिए जा चुके हैं आपकी जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनकी वीडियोस फुटेजेस पुलिस को दी जा चुकी है एक माह हो गया लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो सका क्यों ठीक है उसकी वीडियो फुटेजेस और उसकी सारी सेफ सिटी की फुटेजेस भी आपको मैं प्रोवाइड करता हूं आप उसको मीडिया पे चलाएं अभी तक पुलिस ने या किसी ने कुछ नहीं किया चोर नहीं पकड़ा इदारे बने हैं आपके लिए दोपहर 4:30 बजे देखें इनकी मदद ले लें दोपहर 4:30 बजे है वो खुद कुछ नहीं कर पाते साहब का फेस चेहरा मायूस हो गया थक गए ने भट्टी साहब लोते भट्टी साहब बेबस नहीं होंगे छोटे मोटे गम्मा से भट्टी साहब अंदर ही था ना भट्टी साहब जानगे इंशाल्लाह भट्टी साहब महीना हो गया चले जाऊंगा करने लिए हो सकता भट्टी साहब जी मैं पुलिस को आज पुलिस वाले कहते हैं हमारे सोर्स ही नहीं है हमारे पास ये सोर्स नहीं है उसको कहीं से कहां से तलाश करें वो कहां रहता है भाई साहब आप लोग टैक्सेस नहीं दे रहे दे रहे हैं सब कुछ पे कर रहे हैं सोर्स कर रहे हैं बेटा टैक्स दे रहे हैं ना आपके घर वाले बिल्कुल नवा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का ए सुन लो ये क्या कहेगा बेटा भाई साहब मार्जिनल टैक्स मिल रहे हैं इतने बिल नहीं होते जितने टैक्स होते हैं हां रुए भी नहीं बेचारे की वो सच बताएगा इस उम्र में हम आराम से खेलते होते थे बताओ बेटा भाई साहब सुन लो
टेंशन नहीं आई इस उम्र में, हमारे बिल नहीं दिए जाते माँ बाप से, पढ़ाएं कैसे बच्चों को। ये हकीकत है भाटी साहब, सुनो गारंटियां दी जे मुस्तकबिल वेखो पढ़ नहीं सकता, बताओ बेटा बताओ, इनको ग्राउंड है इधर लेकिन खेलने के लिए बिल्कुल कोई ग्राउंड नहीं है, इनको आगे कर ले फिजिकली, आगे कोई नहीं, आगे ग्राउंड है गोलबाग में, वो भी रात 9 बजे बंद हो जाता है। इतनी दूर कितना ये गोलबाग, इस नाले से नुकसान होता है बेटा? बिल्कुल होता है। क्या क्या नुकसान होता है? स्मेल आती है। ओए मेरा कैमरामैन ना डिग जाए किते, ओ मेरा पटी साहब मेरा कैमरामैन डिग गया, टाडी की आदत है भाई ना, थोड़ा आप इधर हो जाए मेहरबानी। चलो फिर हमारे लीडर ही पूरा करेंगे सारा कुछ। देखो कैमरामैन डिग लगा सी, वो मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं तो डर गया हूँ। बात ये कि ये बच्चे की बात सुनी आपने, एक छोटी सी बात सुने, आज इस चीज पर काम करिए जो बात बच्चे ने की है सर। क्या काम कर रही है वो? कहता क्या नाम है जो उनसे, मुझे कितने पार्क बनाने की बात सर, की पार्क बनाने की बात तो बेशक जो उनसे है उन्हें बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मुझे बताएं, फिक्र ये बताएं कि इनसे पूछे इस इलाके में पार्क की जगह है कोई? आप पूछे इधर आओ बेटा, गवर्नमेंट का काम है जगह प्रोवाइड करना, हमारा काम नहीं प्रोवाइड करना। पार्क जो बताए बात बड़ी प्यारी हो गई है, रहती है आप गवर्नमेंट प्रोवाइड करना है कि हमने जहाँ प्रोवाइड किया इधर बना दो हमारी तरफ से, यही बन जाती है। लाला जी गलत गल कर गए, फिर मुखालफ कर लेंगे सर। मैं मुखालफ नहीं कर रहा, मैं सुनो नियत हो तो सब कुछ हो जाता है, जो आपकी नियत नहीं करने इरादा हो। अब आप यही इंदौर गुजर के आए हैं, आपको नजर आई कोई जगह पार्क? मैं तो कहता आगे आएगी तो इधर बना दे, इधर बना दे, इनको पैसे दे। ये पार्क नहीं है सर, इधर बना दे। ये प्रोजेक्ट, हाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अरे काम की जब इन्हें बनाएंगे ना, लैंडर भरेगा, लैंडर भरेगा, इसके ऊपर पार्क ही बनेगी सर। और मेरी बात सुने, आप लोग कौन है, आप इलाके को ज्यादा रकबे को ज्यादा तरीके से समझते हैं, ज्योग्राफी आपको पता है, मैं आपको बताऊंगा पार्क बनानी है। पूछ लो, पूछ लो, तीन पार्क मौजूद हैं, एक पार्क की भी दीवार टूटी पड़ी है, ठीक है, गोलबाग की, उसके सामने दो पार्क और हैं, वो गंदा कचरे का ढेर बने हुए हैं, कोई पुराने हाल नहीं है, कोई उसकी क्लीनिंग नहीं करवाता, कोई उसका सेट नहीं करवाता। बच्चे वहाँ पे जाएं तो बेचारे गंदगी से स्मेल से परेशान होकर वापस आ जाते हैं, उनकी हालत ये हो चुकी है। गोल ग्राउंड पे चल जाए, इतनी ग्राउंड पड़ी है, जहाँ मर्जी पार्क 10 पार्क पड़े यहाँ पे, आप कहते जगह नहीं है, पास ही जगह है साथ, ग्राउंड की जगह नहीं। अब दे तो पार्क बनेगी, थोड़ा टाइम दियो इंशाल्लाह। टाइम पूछो सर, नहीं सर टाइम पूछो सर, टाइम मैं अगर अगर मैं फंड जारी करने होंगे तो मैं हुई टाइम दे देता। असि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसने इतने खलोते हैं ना, इन्होंने लोगों की असी की रिक्वेस्ट, सबसे पहले गाली मुश्तबा को निकाली और जा तेरा पैसा निकलवाते हैं, अगे हिम्मत कर रहे हैं, इन्होंने नाल लैके दोबारा जिसने इतने खलोते हैं ना, असि इन्होंने नाल लैके उसे उन्होंने बूहे से जावे, इस्लामी हुकूमत थी हमारे क्या था, वो एक बंदे की भी सुनवाई होती थी, तो यहाँ कहते ग्रुप ना आगे जाए, क्यों एक बंदा भी जाए अपने काम पावर वोट एक बंदे ना, पिछले महीने बुलाया, पिछले महीने बुलाया मौजूद सन, तारीख ले सर, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको फोन करके इंशाल्लाह पूरी जिद्दोजहद। 20-25 साल मुझे सुनते हुए होगा कि जनाब ये नाला कवर हो रहा है, कितने साल? 20-25 साल से मैं सुन रहा हूं, पहले नाला साफ करें, पहले बरसाती पानी खत्म लेके आए, इसमें सारे ये करेगा कौन, किसे करना है सिस्टम पहले ठीक करवाना है। हां जी हां जी, साफ हमने तो नहीं ना करना, बताओ मेरा भाई, गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट हमारी। किसकी हमारी? किसकी? आपकी है, आपकी है हमारी, आपकी है ना, नूली की है, हम टैक्स देते हैं, उन टैक्सों के पैसों से क्यों नहीं कराते? तो आपकी है, खैर है कोई बात नहीं, ना करें, आपकी है कड़वाए ना, काम तो करना सर, काम तो करना है, अपने भी हो भाई, ये अच्छा है तो जो सब पढ़ाई की तरफ से अपनी है, मैंने तो कहा खैर है अपनी है तो खैर है कोई बात नहीं, जो सब सोलर सिस्टम दे रही है मरियम नवाज, स्कॉलरशिप दे रही है, किसको मिला ना, जनाब माफी दे दें, किसी बड़ी दफा अप्लाई की है, कितने अप्लाई कर, 16 अप्लाई कर, सोना के मेरा घर 5 मरले दा 4 मीटर लगे ने, मनु सोलर कितो मिलना, सोलर मिलना अनु जिने घर 1 मीटर लगे है, लो एवी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने येलो कैब दी, किसको मिली? किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, अब घर मिलने हैं, हैं इधर, मैं क्या, अब घर मिलने हैं, इनको घर मिल सकते हैं, चल रहा है यार, अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा है, अपना घर अपनी वास्ते
नहीं नहीं कहां चल रहे इधर पूछे ना इधर पूछे इधर पूछो किन्नू मिले इधर दसो किन्नू मिले इन्हें पूछो कौन है सानू मिलने नो मिलने मीरा नु हां मिल जाने अप्लाई किया करने नहीं आंदा सर उन्होंने दसया नहीं ना तुसे अप्लाई करना नहीं पता है सबको पता है कह रहा को पता है इत महीने 37000 रुपया बिल आया ओए होए होए 37000 किस्त करवा के बिल उतारया 30000 हां अगले महीने आ गए ने बिल मीटर कटो ही ताडा 2 महीने दा बिल हां पिछले महीने उतारया 26000 महीने फिर आ गया बिल 13600 से कुछ पैसे अच्छी गल है लेकिन कहने का मकसद यार 2000 रुपया बिल आ गया गरीब को मरने में मजीद टाइम बाकी है गरीब को मरने में मजीद टाइम बाकी है हिम्मत हार जावे ना कितने जावे सर अच्छी आज के दौर में आप इलेक्ट्रिसिटी देख ले गैस देख ले पानी देख ले ड्रिंकिंग वाटर देख लें सीवरेज सिस्टम देख लें ठीक है सिक्योरिटी सिस्टम देख लें कोई वो लोग नहीं इन्होंने अप्लाई किया होना स्कॉलरशिप का जो मरीम साहब कर रही हैं वो अपना छत अपना घर यहाँ कितने दोस्त कर रहे हैं स्कॉलरशिप क्यों नहीं अप्लाई की आपकी अपनी अभी कैसे अभी तो 9th क्लास में अभी तो कर दो अप्लाई पहले से 9th क्लास होने दिया उन्होंने सर क्यों नहीं अप्लाई करेंगे हर हर क्लास में मिल रहा जरा बच्चा काबिल है ना कहता कर रहे हैं 2000 रुपया गैस का बिल आ गया 2000 रुपया मायसा साड़ ले रही गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है अभी तो नहीं हुए अभी लाहौर से बाहर बहुत सारे शहरों में हो गया है अब मुझे ये बताएं वो गरीब जो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है जो 200-400 से ज्यादा फीस पे नहीं कर सकता लिटरेसी रेट मुल्क का इस वक्त 33% कुछ है उसके बाद क्या होगा जीरो पे आ जाएगा या 10 पे आ जाएगा कि नहीं आएगा होगा क्या सर गुर्बत बढ़ेगी डकैती बढ़ेगी चोरी बढ़ेगी ये गवर्नमेंट को इन चीजों का नहीं पता गवर्नमेंट ने क्यों ये डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट स्कूलों का प्राइवेट करें मैं खुद प्राइवेट ऑनर हूँ स्कूल का लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ क्यों कर रहे हैं आप ऐसा वो फीसें कम कर दें वो थोड़ा सा आम का मामला देख लें उन्होंने कापियां बना के बेच रही ने उन्होंने बैग भी अपने बना के बेच रहे उन्होंने यूनिफॉर्म भी अपने बना के लेकिन देखो तू पहले मैं अपनी बच्ची स्कूल उठा देखो यार अपनी बच्ची मजाक की ये हर महीने 1500 रुपया फीस है 1500 फीस भरी और महीने का फंड दे 1500 महीने का फंड कादा फंड है किस चीज का चोर बजा रही स्कूल वाले अपने मिनिस्टर को कह के उसमें इजाफा कर रहे हैं प्राइवेट करके आपने नहीं कराना अच्छा चलो सर बात मैं प्रोग्राम के एंड करना मैं प्रोग्राम के एंड करने को आखिरी दो सवाल आपके मिनिस्टर ने एजुकेशन को नहीं काबू करना करना बिल्कुल उसकी ड्यूटी है उन जनाब की ड्यूटी है इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह नहीं है कि नहीं है बिल्कुल है ना आखिरी डेट देनी है डेट जल्दी दे देना हां या ना इंशाल्लाह छोड़ो हां या ना आखिरी डेट जी देंगे तुम्हें बुला के देंगे हां या ना दसो ना मैं उम्मीद है कि डेट दे दो पहले पहले काम हो हाले नहीं देनी सर नहीं हाले नहीं नाज़िम मैं भी आमदा शबाशिब के इलाके में मौजूद था जितने लोग हैं अभी बड़ी छोटी सी तादाद है इस पूरी कम्युनिटी की अगर बड़े लोगों से बात करना शुरू करूँ ना मेरे ख्याल से सुबह से मुझे रात हो जाएगी लोगों के मसाइल खत्म नहीं होंगे सरकार के साथ इनकी शिकायत खत्म नहीं होंगी ये मसाइल हो एजुकेशन का मसला हो नाले का मसला हो पीने के साथ पानी का मसला हो रोजगार का मसला हो खुराक का मसला हो मसले वही के वही खड़े हैं और जो MPMN के वादे हैं वो पता नहीं किधर पड़े हैं प्रोग्राम का वहीं पे खत्म होता है अगले प्रोग्राम पे मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।